વાપીના ગોંડલનગર ખાતે જીપીએલ સીઝન 3 ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ ટુર્નામેન્ટમાં 6 ટીમોએ ભાગ લીધો હતો. યુવાનોને ક્રિકેટના માધ્યમથી એક મંચ પર લાવવાના શુભ ઉદ્દેશથી આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ ટુર્નામેન્ટમાં ફાઇનલ તેમજ રનર્સ અપ ક્રિકેટ ટીમોને ટ્રોફીઓ આપી પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા હતા. આજ અમારે વાત જીપીએલ ટુર્નામેન્ટ હે સીઝન 3 હે. જીપીએલ કા મતલબ હોતા હે ગોદાલનગર પ્રીમિયર લીગ, ઓર યે સીઝન 3 હે. પિછલે સાલ ભી હમ લોગ ને કરાયા થા, એક અલગ કોન્સેપ્ટ સે કરાયા થા. ઇસ બાર થોડા સા હમ લોગ ને ઓર ભી ઇસમે ડેવલપમેન્ટ કિયા હે, થોડા ઓર ભી હમ લોગ ને ઇન્ક્રીઝ કિયા હે, અલગ કોન્સેપ્ટ ઓર યુનિક કોન્સેપ્ટ લાયા હે. कितने सालों से आप आयोजन कर रहे हैं? ये हमारा तीसरा साल है, हम लगातार ये तीसरे साल से हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं. और ये स्पेशली यंगस्टर्स के लिए कि जो यंगस्टर्स को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है तो एक प्लेटफॉर्म मिले यंगस्टर्स को और वो लोग अपना टैलेंट दिखाए और आगे बढ़े, क्रिकेट में आगे बढ़े. टोटल कितनी टीम में और कितने ओवरों की मैच है? टोटल 6 ओवर का 6 टीम है और जैसे 5 ही ओवर का मैच है और ये वन डे फिनिश टूर्नामेंट है. आज सुबह स्टार्ट हुआ है और आज शाम को 6 बजे तक खत्म हो जाएगा. 6 फैंस है, सरफा चैलेंजर्स है, बल्ली ब्लास्टर है, आदर्श एवेंजर्स है और आसिफ सुपर किंग है और हिंदुस्तान वॉरियर्स, ये 6 टीम है. मेरा नाम शेख शब्बीर है और हम ये 4 जीपीएल कमेटी है. मेरे साथ है मेरे साथी आकिब खान, शाहिद शेख और अरशद शेख. ये हम 4 लोग हैं जो जीपीएल को टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं. हम लोग काफी मेहनत करते हैं और इस टूर्नामेंट का मेन मकसद यही है कि जो बड़े जो बुजुर्ग होते हैं 50 साल 60 साल के, वो नई जनरेशन को नहीं जानते हैं. और आजकल की जो टेक्नोलॉजी की जो जमाना है, मोबाइल में बच्चे लोग सब जो बिजी रहते हैं, तो उनको वहां से बाहर निकालना है. और 50-60 साल के जो बुजुर्ग लोग हैं वो नई जनरेशन को नहीं जानते हैं. तो हमारा मकसद यही है कि नई जनरेशन को बुजुर्ग के जनरेशन के साथ कनेक्ट करना है और वो एक से एक दूसरे को 1-to-1 जाने और अपना खेल दिखाए और बड़े लोग उसको खेल को उत्साह करें और उसको सपोर्ट करें ताकि वो आगे बढ़े अपने फ्यूचर में. क्रिकेट को अगर आगे बढ़ना चाहता है तो उसी को अपना आगे बढ़ा दें और यही मकसद है. और दूसरी बात कि ये आपसी भाईचारे के लिए टूर्नामेंट खेला जाता है ताकि मोहल्ले में सोसाइटी में हमारी आपसी भाईचारा बने रहे, उसके माध्यम से उसके लिए ही हम लोग ये टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज करते हैं. साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि हम पहले जो दो सीजन था हम हमारे सिर्फ सोसाइटी से ही स्पॉन्सरशिप लेते थे, पर इस बार क्या हुआ कि हमने सोशल मीडिया पे हमारा जो जितना पूरा टूर्नामेंट का लाइव था वो हमने अपडेट किया था. तो यूनिबाइट कंपनी ग्रुप ऑफ कंपनी है, उनको हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा. तो उन्होंने एक मीडिएटर को रख के, बीच में हमारा एक फ्रेंड है आसिफ चौधरी, उनको बीच में रख कर हमें पूरे टूर्नामेंट का, हम लोग सिंगल किसी से भी स्पॉन्सरशिप नहीं लिए, पूरे टूर्नामेंट का स्पॉन्सरशिप है यूनिबाइट ग्रुप ऑफ कंपनी है. तो हम उसका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते जिन्होंने हमारे टूर्नामेंट को एक काबिल समझा, लायक समझा और इतनी बड़ी स्पॉन्सरशिप दी. तो थैंक यू वेरी मच.